वेलकम टू माय चैनल स्मृति एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आज फिफ्थ क्लास का आपको फ्रैक्शन चैप्टर करवाने जा रही हूँ। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी होल का पार्ट, उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको डिफिनेशन बताई है फ्रैक्शन की। और देखिए, फ्रैक्शन करना बहुत ईजी है, बस हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए। वो तो आप लोगों ने फोर्थ क्लास में सीख ही लिया होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। फोर्थ क्लास में भी फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व किए ही थे। अभी देखिए एडिशन में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन होता है और एक अनलाइक फ्रैक्शन होता है। जिसके जो नीचे का जो नंबर होता है डिनोमिनेटर, वो अगर सेम हो दोनों में तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है। और जिसके ये अलग होते हैं, डिनोमिनेटर अलग होता है, तो वो मतलब जिसमें इसमें सेवन है, इसमें कोई और नंबर होता है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन होता है। जब लाइक फ्रैक्शन होता है, जैसे इसमें दोनों में जो है सेवन सेवन दिया हुआ है डिनोमिनेटर, तो ये दोनों दिया हुआ है, तो ये लाइक फ्रैक्शन हुआ। लाइक फ्रैक्शन में हमें एडिशन में फ्रैक्शन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बस हम ये सेवन सेवन दिया हुआ है, तो बस इसका एलसीएम हमारा जो है सेवन ही हो जाएगा, और ऊपर का जो फोर प्लस फाइव हम इसको ऐड कर देंगे, तो फोर प्लस फाइव नाइन अपॉन सेवन, ये हमारा सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है लाइक फ्रैक्शन में। और बाकी देखिए, ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है। जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन में, तो जब डिनोमिनेटर अलग अलग नंबर दिया होता है, तब हमें जो है इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो पहले हम इसका थ्री बाई नाइन है, ट्वेल्व बाई थर्टी सिक्स, तो हम नाइन और थर्टी सिक्स का एलसीएम निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं एलसीएम, नाइन और थर्टी सिक्स का एलसीएम थ्री से निकालते हैं। थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जो थ्री, थ्री टू जा सिक्स हो गया। थ्री से फिर जाएगा, थ्री वन जो थ्री, थ्री फोर जा ट्वेल्व, फोर से चला जाएगा, फोर वन जो फोर हो गया। थ्री थ्री जा नाइन, नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम ऑफ नाइन एंड थर्टी सिक्स इक्वल टू थर्टी सिक्स। ओके, हमारा एलसीएम कितना आ गया, थर्टी सिक्स। तब इसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, लाइक फ्रैक्शन में। तो हम इसको पहले ऐसे सॉल्व करेंगे, हमें दोनों के नीचे हमें क्या चाहिए, थर्टी सिक्स चाहिए। थ्री अपॉन नाइन, इसके नीचे तो थर्टी सिक्स है ही, तो हमें इसमें तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें हमें थर्टी सिक्स नीचे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितने बार में नाइन के टेबल में थर्टी सिक्स आता है, तो फोर टाइम्स में आता है। तो जितने नंबर हम नीचे लिखते हैं, उतना ही नंबर से हमारा ऊपर भी मल्टीप्लाई होता है, तो ऊपर भी फोर से हो जाएगा। तो फोर थ्री जा ट्वेल्व और नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, ये देखिए। तो अब दोनों के नीचे आ गया थर्टी सिक्स, ट्वेल्व अपॉन थर्टी सिक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन थर्टी सिक्स, तब इसमें हो गया थर्टी सिक्स अपॉन, ये ऊपर का हो गया हमारा ऐड हो जाएगा, ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व, ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेंटी फोर, ये कट जाएगा ट्वेल्व के टेबल से। ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स, तो हमारा जो है इसमें आंसर आ गया टू बाई थ्री। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए, ऐसे में अब तीन थ्री नंबर वाले जो होते हैं, थ्री डिजिट वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थ्री डिजिट के होते हैं, तो उसमें बच्चे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। बट डरना नहीं है हमें, हमें बस सॉल्व करना है इसको। ये अनलाइक फ्रैक्शन में है, तो फाइव नीचे थ्री है और नाइन है, तो फाइव थ्री और नाइन तीनों का हमें एलसीएम लेना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम एलसीएम लेंगे फाइव थ्री और नाइन का, थ्री से करेंगे, फाइव का फाइव ही आ जाएगा, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, फिर थ्री से जाएगा, फाइव का फाइव ही आ जाएगा, थ्री वन जा थ्री, फिर फाइव से जाएगा, फाइव वन जा फाइव, हो गया हमारा थ्री थ्री जा नाइन और नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम इक्वल टू फोर्टी फाइव। ओके, देन हमें जैसे इसमें हमने किया था इस क्वेश्चन में, वैसे ही हमें इसमें करना है। हमें सबके नीचे क्या करना होगा, फोर्टी फाइव चाहिए होता है। तो सबके नीचे फोर्टी फाइव आने के लिए फोर अपॉन फाइव है, तो कितना हम नीचे ऐड करेंगे, इस मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर से, जो यहाँ पे फोर्टी फाइव आ जाएगा, तो फाइव के टेबल में नाइन बार में
और 9 टाइम्स में 45 आता है। देन जो नंबर हमारा नीचे होगा मैंने बताया वही नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हमारा ऊपर भी आएगा। तो 36 अपॉन 45, इसमें भी सेम करेंगे, 2/3 है, 45 हमें लाना है तो 15 के टेबल में आता है, 3 टाइम्स में 45, ऊपर भी 15 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमें 30 अपॉन 45। देन इसमें 1/9 है तो 5 मल्टीप्लाई 5 इसका टू हमारा हो गया 5/45। तो हमारे पास नंबर आ गया 36/45 प्लस 30/45 प्लस 5/45। तो इनका एलसीएम हम ऐसे ले लेंगे, इसको आप फॉरगेट कीजिएगा क्योंकि मैंने स्पेस बहुत कम ले रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा और स्पेस चाहिए था मुझे, हाँ बट मैंने ऐसे ही मैंने सोचा सॉल्व हो जाएगा और थोड़ा सा और स्पेस चाहिए था तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 45 देन ऊपर के सारे नंबर जो हैं ऐड हो जाएंगे, 36 + 30 + 5, ये हमारा आ गया 30 + 5 = 35, 35 + 30 हो गया हमारा 65 + 6 = 71, 71/45 तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके देन ये देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन ऐसे इसको सॉल्व करना तो सीखा ही होगा आपने पहले, फिर से चलिए देखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हम करेंगे, तो हम यहीं पे इसको सॉल्व करके देखते हैं। 6 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 2 = 12, 12 में इसमें और जो नंबर आता है उसको ऊपर वाले नंबर से ऐड किया जाता है, तो 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 17, नीचे 6 आ जाएगा प्लस इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 9, 9/3। अब इसमें भी हमें 3 और 6 का एलसीएम लेना होगा, 6 और 3 का एलसीएम, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 2 से जाएगा आ गया 3 × 2 = 6, हमारा एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम इज इक्वल टू 6। ओके तो फिर इसको हमें लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए नीचे तो इसमें तो 6 है ही, ये तो एज इट इज़ रह जाएगा, बट इसमें 9/3 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 टाइम्स, तो ये हमारा हो जाएगा 18/6। देन ये हमारा पास आ गया नंबर 17/6 + 18/6, तो एलसीएम हो गया हमारा पास 6/17 + 18। इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ गया 55/6। ये कटेगा, अगर कटता तो काट देते, नहीं कटता है तो ये नंबर ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आएंगे, चारों क्वेश्चन। आइए और देखते हैं, ये देखिए ये भी मिक्स फ्रैक्शन में 3 डिजिट वाला नंबर है, मिक्स फ्रैक्शन में 3 डिजिट वाला नंबर है। तो पहले तो हम इसके जो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम इसको सॉल्व किया देन हमारे पास नंबर आ गया इसका 9 × 18 = 18 + 2 = 20, 20/6 + 3 × 2 = 6 = 7, 7/3। ये नंबर आ गया हमारे पास। अब इनका हमें एलसीएम लेना है 6 का, 9 का, 6 का और 3 का। हम पहले एलसीएम लेंगे,
नाइन का, सिक्स का और थ्री का। ओबियसली थ्री से जाएगा ये, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री टू जा सिक्स एंड थ्री वन जा थ्री। फिर थ्री से जाएगा थ्री वन जा थ्री, फिर टू से टू वन जा टू। बाकी सब ये देखिए, तो इसका एलसीएम आ गया 18। नाइन सिक्स और थ्री का एलसीएम क्या हुआ 18 आ गया। अब हमें इसको लाइफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ये 22/9, इसको कन्वर्ट करना है हमें। नीचे 18 चाहिए तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऊपर भी उसी नंबर से करेंगे, तो हमारे पास आ गया ऊपर 44 देन 18। देन 20/6, इसमें हमें 18 चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऊपर भी 3 से करेंगे, 60/18। देन 7/3 में मल्टीप्लाई हमें 18 चाहिए, तो 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 42/18। तो हमारे पास नंबर आ गया 44/18 प्लस 60/18 प्लस 42/18, तो इन सबका एलसीएम हमारा हो गया 18/44 प्लस 60 प्लस 42 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमें ऐड करके इसमें आ गया 146/18। हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन हैं तो मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन को हम मिक्स फ्रैक्शन के आंसर में भी ऐसे करके दिखा सकते हैं। इसको ऐसे भी अगर छोड़ देंगे तो ये भी आंसर ठीक ही है, और मिक्स फ्रैक्शन में अगर दिखा देंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पे 18 आ जाएगा, और 8/ इसको मल्टीप्लाई करके देन वही 146 ऐसे करके आ जाएगा। तो आप ऐसे भी मिक्स फ्रैक्शन में दिखा सकते हैं, और ये भी आंसर सही है आपका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन अब हम देखते हैं, एडिशन तो हमने समझ लिया, अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, जो सब्ट्रैक्शन में फ्रैक्शन कैसे करते हैं। ये देखिए, अगर वो सेम होते हैं, लाइक फ्रैक्शन में होता है, तो बस हम एलसीएम ले लेते हैं, वही नंबर आ जाता है, और ऊपर के जो नंबर होते हैं उनको हम माइनस करके दिखा देते हैं, बस हमारा एलसीएम सॉल्व हो जाता है, सॉरी मतलब फ्रैक्शन सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर डोमिनेटर अलग अलग हैं तो ये, तो फिर हमें इसका एलसीएम लेना होगा, तो हमें एलसीएम लेंगे 7/9 का एलसीएम। तो ये तो ऐसे ही जाएगा, एक ही बार लेके मैं दिखा देती हूँ आपको, तो 63 आएगा इसमें एलसीएम इक्वल टू 63। देन तो हमें इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, 2/7, 63 कितने नीचे चाहिए हमें, तो कितने टाइम्स में आएगा 9 में आएगा, तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर आ गया 18/63, देन 4/9 है, तो इसमें हमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऊपर भी 7 होगा, तो 28/63। तो हमारे पास नंबर आ गया हमारे पास 18/63 माइनस 28/63। तो देन 63 हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये दोनों का 63 नीचे आ जाएगा, और 18-28। तो 10/63 ये हमारा आ गया इसका आंसर। ठीक है, देन ये देखिए, मिक्स फ्रैक्शन में जो ऐसे सब्ट्रैक्शन रहते हैं, तो इनको हम पहले वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे हम दिखा सकते हैं कि मतलब इस तरीके से हम पहले इसको लिख लेंगे, ये फॉर्म में दे रखा है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्म में दिए रहते हैं, तो बस हम इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले 2/3, देन इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सॉल्व करके दिखाना होगा, तो 6 3 18 18 1 19 19/6 माइनस 30/32 32/3। तो 6 और 3 का एलसीएम हमने पहले भी ले रखा है, 6 और 3 का एलसीएम हमें पता है कि क्या आता है, 6 और 3 का एलसीएम
सिक्स ही आएगा, तो इसमें तो सिक्स है ही नीचे में, हमें इसमें सिक्स चाहिए। तो बस हम इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 19/6 कुछ भी नहीं करेंगे इसमें, माइनस इसको हमें चेंज करके दिखाना होगा, 32/3 है, मल्टीप्लाई हम 2 करेंगे क्योंकि हमें नीचे 6 चाहिए, तो मल्टीप्लाई 2 से होगा और ऊपर भी 2 से हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 64/6, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 19/6 माइनस 64/6, तो 6/19 माइनस 64। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये फ्रैक्शन वाले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो क्वेश्चन थे ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इसका पार्ट टू ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं फ्रैक्शन वाले चैप्टर में वो सिखाऊंगी। ये एक ही वीडियो में करना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता वीडियो, इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड कर रही हूँ इस वीडियो को। इसका पार्ट टू ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आ गए होंगे, तो अगर आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल।